कि तमाम जो भी मुल्क मेंबर बनता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का उसका एनपीटी का पहले से मेंबर होना जरूरी है। पाकिस्तान और भारत दोनों एनपीटी के मेंबर नहीं है और अमेरिका की ये कोशिश है कि ये वाली जो शर्त है इस पर भारत को वेवर मिल जाए, पाकिस्तान को ना मिले। S-408 जो वो खरीद रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाई है कि जी हमारी टेक्नोलॉजी के उसके खिलाफ है, लेकिन वो सैंक्शन इंडिया भी ने 2018 में मुआहदा साइन किया रशिया, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन नहीं लगी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एनएसजी ग्रुप में कौन है जो मनूवर कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है क्वाड की। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एनएसजी रुकनियत पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से वो सलूक नहीं बढ़ता जा रहा जैसे कि एक मेंबर को रुकने देने के हवाले से मुनासिब और तवाजुन और बैलेंस रख के एक जो सलूक है वो रखा जाता है। फिर देखा यह जाता है कि कहां पर डिपेंड करता है कि किसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए एनएसजी की। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब बताएगा हमें इस वक्त इस चीज की जरूरत है, हमारे हिकमत अमली की सतह बेहतर होनी चाहिए। देखिए, दो आपने बहुत अहम इश्यूज की तरफ इशारा किया है। पहली बात ऑन गोइंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग हो रही है और फायरिंग जो है वो जारी है उस वक्त से जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने पहली टर्म में वजीर आजम शिप संभाली थी, और वो एक बाकायदा तौर पर एक फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और वो स्ट्रेटेजी उन्होंने उसी वक्त डिस्क्राइब कर दी थी जिसको उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर का नाम उस जमाने में दिया था। बाद में उसको वो सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से कोल्ड स्टोर डॉक्ट्रिन भी बनाई गई, लेकिन 2.5 फ्रंट वॉर का मतलब ही उनका था कि पाकिस्तान को एक तो डायरेक्टली जो है पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करो, और दूसरा उसके ऊपर उसकी वजह से जो उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। साफ जाहिर है जब आपके यहाँ इंडिया फायर करता है, आप फायर बैक करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपके वेस्टेज रेट होता है वो भी बढ़ता है, जो आपकी कंजप्शन ऑफ द वॉर मटेरियल होती है वो भी बढ़ती है। और वो तो और जहां तक बावजूद इसके के जो ट्रीटी जो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, जैसे वो ये सीज फायर जो मायदा होता है वो दो तरीकों से होता है दुनिया में, या इनफॉर्मल होता है या फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल दोनों स्टेट्स के दरमियान होता है, ये तो फॉर्मल ट्रीटी है जो दोनों स्टेट्स ने साइन की हुई है, लेकिन इंडिया उसको नहीं मान रहा। और उसके मानने का ना मकसद ये है कि अब फिलहाल तो खैर पहले तो वो एक तौर पे कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है इलेक्शन के अंदर और अपनी एक हकूमत की रेट साबित करने के लिए अपने मुल्क के अंदर रेट हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करके वहां पे इंडिया के अंदर अपने मुल्क की एक लीडरशिप की ब्रेवनेस, एक लीडरशिप की करेज और एक लीडरशिप का जो इफेक्टिवनेस है उसको साबित करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से अपनाया जाता है और वो जारी रखे हुए। अब उसके ऊपर हिकमत अमली जब आती है तो वो तो दो ही चीजें होती है, एक तो ये होता है कि आप मामले को उन ताकतों के सामने लेके आए जाए जो उसके सुन के उस पर गौर करे, या यूएनओ में लेके जाए, तो यूएनओ तो फिलहाल तैयार नहीं है किस किस्म की किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या उसके ऊपर किसी तरह बिहेव करने के लिए या उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाने। दूसरी चीज ये है कि आप उसका ऑपरेशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो आप उसका ऑपरेशनल रिस्पॉन्स दें, और ऑपरेशनल रिस्पॉन्स पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स आपने पता है देती चली आ रही है, और इस तरह दे रही है कि अगर आप इंडिया के अखबार हिंदू या India.com उठा के पढ़े तो वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान सिविलियन पे फायर करता है, अपना 25 किलोमीटर ट्रांस फ्रंटियर जो है ज्यादातर इंडिया ने पाकिस्तान मुसलमान विलेजेस जो है वो रखे हुए, खास तौर पे जब आप अखनूर से ऊपर चले जाते हैं जम्मू के कुछ इलाके में हिंदू विलेजेस आते हैं, लेकिन वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर ही नहीं होता, होता है ऊपर आपके राजौरी और अखनूर से ऊपर, तो वहां मुसलमान विलेजेस हैं, मुसलमान लोग रहते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी उन गांव पे फायर नहीं कर नहीं सकती है। ये कंपल्शन तो आप उनकी पोस्टों को एंगेज करते हैं और बड़ा इफेक्टिव एंगेजमेंट होती है, उसकी बहुत सारी वीडियो भी सामने आएंगी। अब दूसरा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है जिसका मुख्तलिफ इस मुख्तसर टाइम में अहाता करना बहुत मुश्किल है कि हिकमत अमली क्या हो, लेकिन आपको पता है एनएसजी का जो पूरे का पूरा ग्रुप वजूद में आया था 1974 में। ये आया इंडियन एक्सप्लोजन की वजह से था। 1975 में वो 48 स्टेट्स ने ज्वाइन किया था, इससे पहले एक होता था जेंगर कमेटी होती थी 1971 में, जिसका बुनियादी मकसद था कि IAEA की जो सेफ गार्ड है ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसको इम्पोर्ट को उसके ऊपर पाबंदी लगाए उन चीजों की जिसको वो ट्रिगर लिस्ट का नाम देते थे जो इस्तेमाल हो सकती है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। फिर जब इंडिया ने धमाका किया तो फ्रांस ने प्रपोज किया कि एक ऐसा फोरम बनाए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जिसका वजूद में आया,
लेकिन उसमें वजूद में आने के बाद आपने देखा, एक अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है जो जहन में रखिएगा तो आपको तमाम चीज समझ आ जाएगी कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं S-408 मिसाइल जो वो खरीद रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाई है कि जी हमारी टेक्नोलॉजी के उसके खिलाफ है, लेकिन वो सैंक्शन इंडिया भी ने 2018 में मुआवजा साइन किया रशिया, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन नहीं लगी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एनएसजी ग्रुप में कौन है जो मनूवर कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है क्वाड की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है जो बड़ा वेसिफोरसली सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को जो है एनएसजी की में शामिल करके उसको एग्जेम्पशन दी जाए। हालांकि इसके अंदर इसकी क्लॉजेस जो पढ़े अगर आप एनएसजी की, उस क्लॉजेस के मुताबिक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, और पाकिस्तान को इसको ही लेके आगे चलना है कि वो चाइना, आयरलैंड, टर्की, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। मुजम्मिल साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि कश्मीरियों का इस्तेसाल हुआ, फिर दूसरी तरफ भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की, और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय नेटवर्क जो है पाकिस्तान मुखालिफ बहुत सारे सरगर्मियां सर अंजाम दे चुके हैं, करना क्या होगा अब हमें? मेरी बात सुने, हमने रिसेंटली भारत और चीन का तनाजा लद्दाख के ऊपर देखा, और वहाँ पर भारतीय फौजियों की भी कैजुअल्टी की खबरें आईं, और भारत ने कहा चीनी फौजियों की कैजुअल्टी की भी खबरें आईं, लेकिन एक गोली फायर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सीज फायर का मौदा है भारत और चीन के दरमियान, ना भारत गोली चलाता है और ना चीन गोली चलाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब वही भारत हमारे साथ आ जाता है तो ना कोई सीज फायर का मौदे की परवाह करता है ना कुछ करता है, और हम रोज देखते हैं कि हमारी मासूम जानों का ज़िया होता है और लोग भारतीय गोलाबारी का निशाना पटने। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और मैं समझता हूँ कि जब तक भारत वापस सीज फायर पर नहीं आ जाता, पाकिस्तान को ये ऐलान करना चाहिए कि हमारी भारत से जंग जारी है और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, जिस तरह चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट है और भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, तो उनके दरमियान एक सीज फायर है। अगर हम इसको दुनिया के पास नहीं लेके जाएंगे और कहेंगे कि हम पर चलने वाली गोली को हम अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे, तब तक दुनिया भी हमारे ऊपर चलने वाली गोली के लिए हमारे साथ खड़ी नहीं होगी और इसकी सीरियसनेस नहीं लेगी। वो कहेंगे दोनों मुल्क आपस में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं, अगर 2900 बार की है तो 5500 बार इस साल कर लेंगे, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें हर साल वो इस डॉक्ट्राइन को लेके चल रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये बहुत कामयाब जा रही है। अगर आपके दुश्मन के नज़दीक उसकी हिकमत अमली कोई कामयाब जा रही है तो आपको उसकी काउंटर स्ट्रेटजी के ऊपर असर नौ गौर करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर और इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको कोई झड़पों के तौर पे या कोई एक लोकली कोई मामला नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये है मुना, एक तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके साथ अब जब आपने एनएससी की बात की है जी। तो देखें, अमेरिका ओबामा ने वेवर दिया और 2016 में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, और अमेरिका ने ही बाकी मुल्कों को भी आगे लेके आया कि भारत की मेंबरशिप की जाए एनएससी में, और अमेरिकन सपोर्ट से वो काम शुरू हुआ, और चाइना ने उसको ब्लॉक किया और कुछ कंट्रीज ने चाइना के साथ मिलकर उसको ब्लॉक किया क्योंकि उसमें एनपीटी के वेवर का मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो हम अमेरिका के बहुत ब्लू आइड हैं, हमने उनके लिए इतनी बड़ी पीस ट्रीटी की है अफगानिस्तान में, इतना बड़ा उनको वहाँ से निकलने का रास्ता लेके दिया है, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ हमने अमेरिका को बहुत सर्व किया है, तो उस सर्विस के नतीजे में अमेरिका को जो वेवर्स उन्होंने इंडिया को दिए हैं, हमें भी डिमांड करने चाहिए, एहतजाज की बजाय उनसे बात करनी चाहिए कि ठीक है, आप कहने के ठीक है ठीक है ठीक है, डिमांड के बजाय हमें बात करना पड़ेगी, और बात करके ही इस मसले को हल किया जा सकता है और अपना आप मनवाया जा सकता है। मोना, क्या करने की जरूरत है? एक तरफ एनएसजी है, दूसरी तरफ भारतीय शरणंगेजियां रुकने का नाम नहीं लेती कि इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं या जो उनके मंडी के बड़ी मंडी के होने की वजह से इंटरेस्ट्स हैं वो इतने हाई हैं, इतने पैरामाउंट हैं दुनिया के लिए कि उसको हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है मोना, पॉइंट आपका आ गया, इसका हल सिर्फ बेहतर सिफारतकारी है, और मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई हल नहीं। जगम साहब, जो इकोनॉमिकली कंडीशन है इंडिया की वो पाकिस्तान के बहुत सारे मामलों पर हावी और असरअंदाज हो रही है, पाकिस्तान को फिर क्या करने की जरूरत? ठीक है जी, और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जहां डिस्क्रिमिनेशन की बात है, एक शर्त मैंने आपको बता दी कि 45 का अग्री करना जरूरी है, दूसरी जो शर्त है वो ये है
कि तमाम जो भी मुल्क मेंबर बनता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का उसका एनपीटी का पहले से मेंबर होना जरूरी है। पाकिस्तान और भारत दोनों एनपीटी के मेंबर नहीं है और अमेरिका की ये कोशिश है कि ये वाली जो शर्त है इस पर भारत को वेवर मिल जाए, पाकिस्तान को ना मिले। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।